लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रोहिंग्या मुस्लिम महिला ने बताई सेना के अत्याचार की कहानी, कहा मेरी आंखों के सामने बच्चे को हवा में उछाला और कुल्हाड़ी से चीर किया, आग के हवाले फातिमा अपने बच्चे के साथ। इंटरनेशनल डेस्क ढाका। बांग्लादेश में रेफ्यूजी की जिंदगी जी रही रोहिंग्या मुस्लिम महिला ने सेना के अत्याचारों को लेकर नए खुलासे किए हैं। कॉक्स बाजार के रेफ्यूजी कैंप में रह रही फातिमा बेगम ने बताया कि सेना के जवानों बच्चों को हवा में उछाकर कुल्हाड़ी से काट रहे थे और हमें सब कुछ आंखों के सामने देखना पड़ रहा था। उसने बताया कि सेना द्वारा अंजाम दिया गया ये नरसंहार इतना भयानक था कि इसे समझ पाना मुश्किल है। किसी काटा किसी को जिंदा जला डाला। 25 साल की फातिमा ने बताया, मैंने न जाने ही कितने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से मरते हुए देखा। सोल्जर्स ने मेरे सामने एक बच्चे को 4 हिस्सों में काटा और उसे जलती आग में फेंक दिया। ये सब देखकर मैं बिल्कुल अवाक रह गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मैं असल में देख रही थी। उसने बताया कि मेरे गांव के बहुत सारे बच्चों को इस नरसंहार में मार दिया गया। कुछ बच्चों को तो पूरा का पूरा जिंदा जला दिया गया। पति को पहले गोली मारी फिर गला काटा। फातिमा ने बताया, मैं अपने पति और बच्चे के साथ गांव से भागकर जंगल में छिपी थी, लेकिन मेरे पति आगे के सफर के लिए घर से खाना लाने वापस चले गए। उन्हें लगा कि जवान चले गए, लेकिन वो गए नहीं थे और उन्होंने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। जवानों ने मेरे पति को पहले गोली मारी फिर उनका गला काट दिया। मैं किसी तरह अपने बच्चे को वहां से लेकर भाग निकलने में कामयाब रही। खौफ ऐसा कि लौटने की हिम्मत नहीं हुई। फातिमा के मुताबिक सोल्जर्स ने गांव के करीब 30 लोगों को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी और मौत की नींद सुला दिया। एक के बाद एक ऐसे खौफनाक मंजर देखकर गांव से बचकर भाग निकलने वाले लोग इतने डरे हुए थे कि लौटने की हिम्मत ही नहीं थी। हम बिना कुछ खाए पिए लगातार 4 दिनों तक चलते रहे ताकि सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। 7 लाख मुस्लिमों ने छोड़ा देश। म्यांमार के रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ बीते साल शुरू हुई हिंसा के बाद 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम देश छोड़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के अफसरों ने एक टेक्स्ट बुक में इस हिंसा का जिक्र किया है जिसमें रोहिंग्या मुस्लिमों के कत्ले आम से लेकर रेप तक की रिपोर्ट है। अमेरिका ने इसे जातीय सफाई करार दिया। वहीं म्यांमार ने इसे क्लीयरेंस ऑपरेशन बताते हुए रोहिंग्या विद्रोहिया के हमलों का वाजिब रिएक्शन करार दिया है। कैसे शुरू हुआ अत्याचार? म्यांमार बौद्ध बहुल आबादी वाला देश है। यहाँ कभी 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भी रहते थे। म्यांमार के रखाइन राज्य में 2012 से बौद्धों और रोहिंग्या विद्रोहियों के बीच सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। पिछले साल हालात तब भयावह हो गए जब म्यांमार में मोंगडो बॉर्डर पर रोहिंग्या विद्रोहियों के हमले में 9 पुलिस अफसरों की मौत हो गई और फिर मिलिट्री ने दमन शुरू किया। मिलिट्री के साथ बौद्धों ने भी हमला बोल दिया। इस हमले में हजारों रोहिंग्या हिंसा की भेंट चढ़ गए। इसके बाद से ये तनाव बढ़ता ही जा रहा और रोहिंग्या मुस्लिम देश छोड़ने को मजबूर हैं। भले ही सदियों से रोहिंग्या म्यांमार में रह रहे हैं लेकिन उन्हें स्थानीय बौद्ध अवैध घुसपैठिया ही मानते हैं।